हमारे कोर्स पिट गए हैं, इकोनॉमिक्स पिट गया, कॉमर्स पिट गया, इंग्लिश पिट गया। मतलब हैरानी की बात है कि एक एड-हॉक को रिटायर होना पड़ रहा है लेकिन उसको परमानेंट नहीं किया जाता। इफ टीचर्स आर फेसिंग दिस इशू द बिगेस्ट यू नो विक्टिम ऑफ दिस एंटायर थिंग इज द स्टूडेंट्स। और हम जवाब मांग रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं। आज हजारों की संख्या में आपकी जरूरत है, हम अंदर रहेंगे, हम निकलेंगे नहीं वहां से। आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को बुलाइए और यहाँ पे आज यूनिवर्सिटी को बंद कराइए, क्योंकि बिल्कुल कोई कोई मंशा नहीं है रेगुलेशन पास करके आपका प्रमोशन और रिक्रूटमेंट कराने के लिए। सिचुएशन बहुत गंभीर है और सारे जो उनके मेंबर्स हैं, टीम है, वो साइलेंट बैठे हैं और ये एक घंटा लेट आने के बाद एक घंटा मुंह चुप करके बैठे हुए हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। सिचुएशन बहुत गंभीर है, आप लोगों की जरूरत यहाँ पर है, शाम तक प्लीज रहिए, दोस्तों को बुलाइए और यहाँ पर हजारों की संख्या में आइए। जिस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी, जो विचार के लायक ही नहीं है, उस मुद्दे के ऊपर डूटा को आज हड़ताल की कॉल देनी पड़ रही है और बाहर एसी मीटिंग के बाहर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है। हम आखिर ये जानना चाहते हैं कि हम इस वाइस चांसलर से आज के दिन मांग क्या रहे हैं, कौन से हम चांद तारे मांग रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज मांग रहे हैं जो संविधानिक नहीं है। दिस यूनिवर्सिटी इज नॉट गिविंग देम मैटरनिटी लीव व्हिच इज वेरी रॉन्ग, which is forfeiting their fundamental rights. When permanent teachers are getting 6 months leave, maternity leave, at least 3 months, 4 months leave should be given to them. They are not getting married. They are not making their families. So they are living in an age of uncertainty, which is very wrong. And maternity leave is their right. They should be given. Every segment of the teaching community at the moment is facing a crisis of livelihood. You have 5,000 teachers who are looking for a permanent job, who have raised a legitimate demands that because they have put in so many years of service, they should be regularized in their respective posts. मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ, मुझे कम से कम 10 साल से ऊपर हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए परमानेंट, लेकिन अभी तक भी प्रमोशन नहीं हुई। हम लोगों की दो दो तीन तीन प्रमोशन ड्यू हैं और ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे जैसे ये तमाम साथी जितने यहाँ खड़े हैं, श्रीवत जी भी हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, इन सब की प्रमोशन अभी तक ड्यू है। There are 3,000 odd teachers who have been stagnating in their, you know, initial basic or for that matter initial designation because they have not got their promotion for the last 10 odd years. And there are teachers who are retiring one by one who are being denied pension because both the government at the center and the university administration, they have taken patently anti-teacher steps. Pension ki ek problem hai, प्रमोशंस की प्रॉब्लम है, प्रमोशन 10 साल से नहीं हो रही है, 2011 से पेंशन नहीं मिल रही है लोगों को, 200 पॉइंट रोस्टर की वजह से उसको नहीं माना जा रहा है, अपॉइंटमेंट रुकी हुई है। हमारी डिमांड है कि कॉलेज एज ए यूनिट मान के 200 पॉइंट रोस्टर को लागू करना चाहिए और ना ही इस दिशा में दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई कदम ले रही है, ना वाइस चांसलर साहब हमारे एक इंच भी सरकने को तैयार हैं। प्रमोशंस इंटरनल मैटर है और प्रमोशंस की 10 साल से लोगों को रिटायर भी हो गए हैं, अभी हमारे कुछ साथी 31 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं, अगर उनकी प्रमोशंस हो जाती तो उनको कुछ बेनिफिट्स पेंशंस के मिलते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, स्टैंड स्टिल यूनिवर्सिटी है, कुछ काम नहीं हो रहा है। जितने भी भारत में जितने भी कॉलेजेज हैं, इवन स्टेट लेवल के कॉलेजेज हैं, वहाँ पे भी प्रमोशन दिया जा रहा है लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को नहीं दिया जा रहा। यू टेक गो टू एनी स्टाफ रूम, यू विल सी नॉट अ सिंगल सेगमेंट ऑफ द टीचिंग कम्युनिटी इज हैप्पी, द स्टाफ रूम्स हैव बिकम ऑल स्पेसेस वेयर टीचर्स आर लैंग्विशिंग, दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर दिस प्रोफेशन एनी मोर। Even though I'm new, I can see the frustration coming into myself, and I've seen my other colleagues who have been working for 5 years, 6 years, and every semester they have to rejoin. So which is, it's not, humiliation is not the good word, but it's sort of very frustrating that every year, even though you have provided so many services and have done so much work for the college, but still every 6 months you have to do. We see that this is basically a way to drive away talent from the profession so that young people, fresh talent won't come to the university system.
they will, the ones who are stagnating, they leave in disgust and they go to private universities, and the teachers who are retiring, who are on their, you know, twilight of their career, they leave after serving for four decades humiliated and disgusted from this system. Government right now, of the right-wing government, they're trying to make capitalism more and more stronger day by day. And they're trying to convert every government-funded institutes into a private institute. In which case, me being a literature student, I know what will happen to us. Because it's not, there's no guarantee that you will get a good placement. And money-oriented courses will get better prospect. कौन सा स्टूडेंट है जो 10 लाख और 12 लाख रुपया आपका फीस दे करके हिंदी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी पढ़ने के लिए यहां पर आए? And they're also worried about how much fees their sisters, their siblings or their brothers will have to pay if everything becomes a private institute. चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज, अगर इसको आप, अगर आप देश भर में और शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, पॉलिसी लेवल के ऊपर किस प्रकार का पॉलिसी फ्रेमवर्क लाया जा रहा है सरकार के द्वारा, अगर उससे अलग करके देखेंगे तो हमें मुझे लगता है कि हम गलत नतीजे पे पहुंचेंगे सर। एक के बाद एक उच्च शिक्षा के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, वो हमले के पीछे एक ही उद्देश्य है इस सरकार का कि उच्च शिक्षा के अंदर किसी प्रकार का पैसा नहीं देना है और ग्रांट बेस्ड से लोन बेस्ड एजुकेशन की तरफ शिफ्ट करने का जो पूरा हमला और प्रयास इन लोगों ने लगातार किया है एक के बाद एक, उसको वो जारी रखना चाहते हैं। द करंट एडमिनिस्ट्रेशन इट हैज स्टूप टू अ न्यू लो वेयर रेगुलर मैटर्स ऑफ टीचर्स आर नॉट बीइंग एक्सपेडाइटेड and the person who is to be squarely blamed for this is the vice chancellor who is heading the university. The fact that he is so hypoactive, his inaction on everything is a mode of denying justice to every segment of the teaching community. And along with that, the ones whom he is supervising, his administrators, they are constantly taking anti-teacher stands, which would include their refusal to table its own subcommittee's recommendations on the regulations. और इसीलिए हम कहते हैं कि इस वाइस चांसलर को जाना चाहिए, इसलिए नहीं जाना चाहिए कि ऑटोनोमस है और अपनी मर्जी से जो कुछ कर रहा है, लेकिन इसलिए जाना चाहिए क्योंकि इसने सरकार का एजेंट बनने का तय कर लिया है, एजेंट बनना इसने स्वीकार कर लिया है और वो सरकारी नीतियों के तहत इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए पहलकदमी कर रहा है सरकार के बिहाफ पे। द वे दे हैव डिवाइस्ड थिंग्स, the anti-student measures which this administration has taken constantly, students have no redressal mechanism. And if their own teachers, you know, face these crises of livelihood, they would be the biggest victim. Delhi Vishwavidyalaya mein jo pehle 5th aur 6th list mein sari admission ho jati thi, aaj 10th aur 12th list tak jati hai, tabhi bhi 8000-7000 admission aapke khali pade hue hain aaj ke tarikh mein. To promotion, pension, फीस और ऑनलाइन सिस्टम जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, कोई नया कुछ नहीं आ रहा। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, आप रूम अलग नहीं दे रहे उनको, हॉस्टल आप नया निर्माण नहीं किया, कॉलेज आपने आज तक एक भी नहीं बनाया, जितने पहले कॉलेज थे आज भी इतने ही कॉलेजेस हैं। जो बेसिक जो बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए वो सरकार करना नहीं चाहती, लेकिन जो है, जो संसाधन है हमारे, उन्हीं संसाधनों को भी छीन लेना चाहती। यूजीसी रेगुलेशन के ऊपर डूटा के दबाव के बाद ये वाइस चांसलर महोदय एक सब कमेटी बनाते हैं, रेगुलेशन कमेटी बनाते हैं, 15 उसकी मीटिंग होती है और हम केवल ये उनसे मांग कर रहे हैं कि जो आपकी गठित की गई समिति है, जो आपकी बैठाई गई कमेटी है, उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं उसे एकेडमिक काउंसिल के पटल पर रखे, उसे चर्चा में लाइए, उस पर बहस कीजिए और ये आजादी दीजिए एकेडमिक काउंसिल को कि उसके ऊपर वो अपना निर्णय ले सके। इसमें हम क्या गलत मांग कर रहे हैं? जितने भी रेगुलेशन आए हैं, जितने भी पे कमीशन आए हैं, उस सब के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी को और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी आजादी मिली है कि वो बिना स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए उसके अंदर
परिवर्तन ला सकती है, कुछ चेंजेस कर सकती है टीचर्स के बेनिफिट के लिए, यूनिवर्सिटी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए। वो ये स्पेस था जो अब तक हमारे पास उपलब्ध था, लेकिन आज ही वो स्पेस हमारे हमसे लिया जा रहा है, छीना जा रहा है, उस स्पेस को खत्म किया जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि आप फुल स्टॉप कॉमा भी नहीं बदल सकते। दिस इज एंटायरली अ कॉन्स्पिरेसी, a conspiracy to dismantle public funded education so that public universities will not survive, they will collapse under the burden of, you know, so much of disappointment, so much of disillusionment among its stakeholders, and the private shops prosper. Already some of the talented teachers, some of the best professors have left this university because they were not given their rightful dues. And if this process continues, within no time Delhi University as the premier institution will cease to exist. And the biggest victim of that would be all those marginalized sections like women, minorities, Dalits, OBCs, all those downtrodden for whom this access to public education was the only stepping stone towards doing anything in life. So that social mobility is being taken away in a systematic manner by dismantling the public education system.